तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी भूल जाते हैं कि वो वर्कर नहीं, आज देवी को खड़ा करने वाला कोई खून पसीना देने वाला एक इंसान है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। मैं तो आपके लिए खड़ा रहता हूं, इसके पास ज्यादा जमीन है ये भी आपके पास बात आ गया है। मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा, हाँ जितनी जिम्मेदारी के साथ जमीन होना चाहिए भारत के लोगों के मुताबिक, उससे ज्यादा जमीन सरकार के हम लोगों के पास है, तो आप दीजिए शर्मा को, आप दीजिए चौहान को, आप दीजिए कमार को, आप दीजिए कुमार को, आप दीजिए लुनिया को, आप दीजिए सरवंशी को, आप दीजिए मुशायर को, आप दीजिए राम को, आप दीजिए फांसी को, आप दीजिए गौन को, आप दीजिए मुसलमान को, आप दीजिए ऐसे वर्ग को जो लोग यह कहते हैं कि जाति जनगणना किसी जाति के खिलाफ नहीं है। जाति जैसे 10% आरक्षण ऊंची जात के गरीब को देने की जरूरत थी, ये सही था, ये समय का डिमांड था। यदि आप 10% ऊंची जात के गरीब को आपने आरक्षण दिया और 67% आज अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा की संख्या बढ़ गई, तो हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे, कर्पूरी ठाकुर जी जो सपना देते थे और करुणानिधि के पहले एम नंबूरी पार से लेकर के करुणानिधि तक जिस आरक्षण की बात किया था 67% आरक्षण, नीतीश जी असेंबली बुलाइए। यदि हम ऐसे समय में जब हमने अपने एक भाग को आरक्षण दिया है और आज समाज में 35% जो अत्यंत पिछड़े के लोग हैं, जो सबसे ज्यादा आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक रूप से गरीब हैं, क्या हम उसकी भागीदारी करेंगे? क्या हम 19% गरीबों को आरक्षण बढ़ाएंगे? क्या हम मुसलमानों में जिसको हमने अलग अलग किया जिससे किया अंसारी जो सबसे ज्यादा गरीब है तो वही का शेषावादी जो हम सबसे ज्यादा गरीब की बात करते हैं उसका हम मूल्यांकन करेंगे? मैं कहूंगा नीतीश कुमार जी, यदि बिहार के गरीबों को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको निजी क्षेत्र में आरक्षण देना पड़ेगा। आप आइएगा, आप एजुकेशन, आप नौकरी नहीं दे पाएगा नीतीश कुमार जी, क्योंकि पूरा का पूरा प्राइवेटेशन हो गया। आप जब आर्मी में सब कुछ समाप्त हो गई, आर्मी के बच्चे मरे, एक भी शहीद नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, आने वाले बच्चों में उसको कुछ नहीं मिलेगा। रेलवे का सब कुछ गिरी चला गया, सब प्राइवेट हो गया, अब रेलवे में बहाली नहीं होगी, बैंक में बहाली नहीं होगी, सिर्फ सिपाही थोड़े देर के लिए सरकार की और शिक्षा इस दो के अलावा मेरे पास कोई बहाल नहीं। कितनी बहाली शिक्षा का मतलब क्या होता है सरकार से मैं जानना चाहता। आपने आरक्षण फॉर्मूला लागू नहीं किया, बिहार के बच्चे लगातार ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, एक रूम में एक कोचिंग माताओं का बच्चा निकल गया और वो गोली को पढ़ते थे उसका बच्चा भी मिला, क्या कारण है जिसने बचा दी? क्या इस देश में बेटा पैसा की नौकरी नहीं मिलेगी? क्या इस देश में कोई गरीब और कमजोर मंत्री ज्यादा राजू
लड़ता है? बाप भी अगर नहीं होता तो सिपाही की बात खत्म नहीं होती। कौन लड़ता है आप बताइए? कौन लड़ता है शिक्षक के सवाल पर? कौन लड़ता है ममता के सवाल पर? कौन लड़ता है आशा के सवाल पर? कौन लड़ता है आंगनबाड़ी के सवाल पर? आंगनबाड़ी में घर नहीं है, आंगनबाड़ी में तनख्वाह नहीं है, आंगनबाड़ी में शिक्षक नहीं है। आप पहले ही आंगनबाड़ी में दलित को बैठा करके आपने ये मामला खत्म कर दिया कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको 1000 रुपया ग्रोह को पहुंचाना है, बस खिचड़ी खिला दो और आप उसको भेज दो। पहले ही आपने समाज में बैठकर बेचने कर दिया आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी में बैठ जाइए बेटा, आंगनबाड़ी में क्या आप घर नहीं देंगे? क्या एक गाँव में एम्बुलेंस नहीं होगा? क्या आजाद हिंदुस्तान करवा दिया कि रात किसी को नहीं मिलना चाहिए? क्या हमें अपने पैसे का एम्बुलेंस नहीं दिया? क्या हमने सरकारी एम्बुलेंस दिया आपको? क्या मधेपुरा यूनिवर्सिटी में हमने अपने हेल्थ के पैसे से नहीं दिए? हमने किसको दिया? क्या हमने सरकार से पैसा दिया? क्या एक ब्लॉक में को पंप किया तो मैंने एम्बुलेंस दिया? क्या सरकार से पैसा दिया कि मैंने अपने निजी पैसे से एम्बुलेंस दिया? हम बेटों के लिए पढ़ाई के लिए क्या सरकार से पैसा दिए? हम आपसे जानना चाहते हैं, आप हमको बताइए ना, हमने गलती क्या की? हमने गुनाह क्या किया? क्या मैं यहां का बेटा नहीं हूं? क्या मैं रोशनी सीमांचल का बेटा नहीं हूं? क्या मैं सहरसा में मेरी जिम्मेदारी नहीं है? क्या सहरसा मेरी मां का बेटा नहीं है? क्या ये बिहार जो लोग बात करते हैं शिक्षा के आधार पर, हमने अपने ही हिसाब की बात नहीं करता, हम जानवर की बात करते हैं। मैं आप अपने ही बात बता दी जानवर की हम लड़ाई सुन रहे हैं। जब से नीतीश कुमार जी की सरकार बनी तब से 8000 से ऊपर जानवर के वरिष्ठ आदमी आए हैं। एक बार भी लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी जानवर के हम गए हैं, हम 8000 परिवार के यहां हैं। छोड़ दीजिए मुसीरा, छोड़ दीजिए आपको ब्राह्मण पासी देंगे, नाम गिनाना शुरू करते हैं जानवर के ऊपर कितने आए हैं। गिनाओ नाम, हम शुरू करते हैं जानकी राय यादव भगवा से, हम शुरू करते हैं राजद के टिकट दिए थे हम लाए जाने प्रभु। क्या नाम था सासाराम का जिसके हम गए थे? क्या नाम था सासाराम का जो लालू यादव के सबसे करीब थे? हम रामपुर में तीन राजद के लोग को गोली मार दिया गया, कुंदन बगल में तीनों को 1000 रुपया उसकी बहन को देखे हम आए। याद करिए सप्ताह में 12 छात्रों की हत्या हुई, 2 छात्रों को पप्पू यादव ने 1000 रुपया और एक मुखिया के परिवार को जब घर जा दिया सूर्य यादव के गाँव को, तो रामपुर सरकार ने भी हम 4 लाख रुपया दिए और सारा के घर में भी 1000 रुपया जिसने घर को जला दिया। क्या कहा ये हम यादव नहीं है, मतलब जो यादव के घर के आंसू ना पोछे वो यादव। बस एक ही बात को मुख्यमंत्री बने हम नहीं बने। निश्चित रूप से लालू यादव जी का कुटनीति के बाद एक ऐसे सम्मान नेता थे जिन्होंने जिनको एक्सेप्ट किया बिहार में हर जात के लिए। ऐसा नहीं था कि ऊंची जात के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, आज भी ऊंची जात के लोग लालू यादव के भाषा का उसके तरीके का सम्मान करते हैं आज भी। लेकिन हम लोग हम बात करते हैं एक तो क्या कोई ब्राह्मण को बन जाता है तो किसी जात को बन जाता है तो किसी जात को बन जाता है। अरे यार सभी जात का इतिहास है ना, यानी वाल्मीकि ने रामायण बनाया ग्रोम थे तो केवल के बगैर रामायण का कोई मतलब नहीं है, वो भी रामायण था। और जो लोग ब्राह्मण को गाली देते हैं वो तुलसी जी के इतिहास को जाने हमेशा ब्राह्मण बात कब तक ब्राह्मण को गाली देकर के आप सुकोटा बना के रखोगे? कब तक आप 20 साल 40 सालों से आप सीएम और पीएम हो, कब तक दूसरों की सीमा अपनी जिम्मेदारी तौर पर दूसरों की बात करिएगा? क्या सुदामा ब्राह्मण नहीं थे? क्या सुदामा ने कृष्ण को अपना राजपाट दे करके कृष्ण का सम्मान नहीं बचाया? क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? यानी राम पराक्रमी सत्य थे
حضرت صرف ہندو میاں صرف ہندو میاں اور ہم ہمت نتیش سنگھ نریندر مودی جی کل حماس کے بچوں پر حملہ ہوا ہے پورا دنیا جو بیٹھی ہے اٹھو گا اور جب آپ کے ساتھ ملتا ہو جب سن کے انتہا ہو جائے تو لڑنے کی جذبہ دکھانی چاہیے نہیں ہوتا ہے آپ کے بھی لڑنے کی جذبہ آپ لڑنا چاہتے ہو تو لڑو نہ چاہنا سے آپ صرف ہندو مسلمان کرتے آپ کی کیوں کرتے میں نے اس دن بھی کہا لیکن نریندر مودی جی لڑو نہ لو سب سے دونوں بھارت کے غریبوں کو نوکری دونوں روزگار 225 روپیہ 28 روپیہ مل رہے گا یہ کب تک 228 روپیہ مل رہے گا کم مزدوری یہ آواز کیوں نہیں اٹھتا ہے میں 400 روپیہ مزدوری کی بات کرتا ہوں 225 روپیہ میں مزدوری نہیں ہوگی نہیں ہوگی اور میں رہے گا ماں کو 228 کیوں تب تک یہ دیش کا بڑی کون سا دیش رکے میں کیے گا وہ بھی مان کو بند رکھی کب تک ہے ہمت تو تب ہی میں چار سو روپیہ پپو یادو کی لڑائی اس کے لیے پپو یادو کی لڑائی ممتا کے لیے پپو یادو کی لڑائی مویشی کو جو ٹیکا کرن کا کہا پا رہا تھا اس کے لیے پپو یادو کی لڑائی بات سچی کے لیے پپو یادو کی لڑائی کورونا مٹ کے لیے وکاس مٹ کے لیے جس کی صرف راجنیتی کی بات نتیش کمار جی سے کرتے ہیں لیکن ممتا کے لیے کیوں نہیں کوٹا کے لیے کیوں نہیں جنگنا کے لیے کیوں نہیں گرام سبھا کو آپ نے ختم کر دیا کل میری سرپنچ کے ساتھ پورے بہار کے سرپنچ کے ساتھ پورنیا میں کل میٹنگ ہے سارے بہار کے سرپنچ لا رہے ہیں دو چھڑی کو پپو یادو کے پورے ضلع پرشد اپادھیکش اور نگر نگم کے اپادھیکش کے ساتھ رکھا ہے پٹنہ میں دو چھڑی کو سارے اپادھیکش میرے پاس آئے تھے پپو جی میری رائے لگ دیجیے سرپنچ صاحب کہتے ہیں پپو جی ہریانہ کیرل راجستھان کے تٹ پر ہمیں نیا کر ملے گا بات ہم اس کی نہیں کرتے ہیں بات کرتے ہیں باہر خراب کب تک باہر خراب کب تک دنیا خراب کب تک راج خراب کب تک راج کو پہن کو بنے آئیے کب تک دھارو کس کو بنے آئیے یہ دھارو کی ذمہ داری ہے یعنی میں 14% ہوں یہ گھر کا وشے ہے ہمارے لیے کہ ہمیں لڑنا ہوگا دوسروں کے لیے یہ گھر کا وشے ہے ہمیں گھر کرنا چاہیے یہاں کی طاقت اتنی ہے کہ ہم دوسروں کے نیا کے لیے لڑیں گے ہمیں دوسرے ذات کو لانا پڑے گا اپنے ساتھ یعنی پپو یادو دوسرے ذات کا پیر چھوکا ہے یعنی پپو یادو دوسرے کا آنسو پوچھتا ہے کہ ذات کو گھر ہونا چاہیے میرے نام کے پیچھے ہی جاتا لگا ہوا جو مدد نہیں کرتا ہے وہ جاتا نہیں ہے میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں میں لڑنے جا رہا ہوں کل سرپنچ کی لڑائی شروع ہوگی آزاد ہندوستان کے بعد مہاتما گاندھی سے لے کے راجیو گاندھی تک گرام سبھا کی ایک بڑی نمائندگی کی بات کیا راجیو گاندھی پنچایت کی راج ویوستھا کے لیے گرام سبھا کی لڑائی لڑ میں جاننا چاہوں گا کہ گرام سبھا کو ختم کیوں کر دیا کل گرام سبھا کیرل میں گرام سبھا ہے اس کے لیے وکاس ہے راجستھان میں گرام سبھا ہے سرپنچ کو نیا ملی اس کے لیے وکاس ہے مکھیا کو سمان دیا اس کے لیے وکاس ہے وکاس میرے ایم پی سے نہیں ہوگا وکاس دلی پٹنہ سے نہیں ہوگا وکاس ہوگا گرام سبھا سے اور گرام سبھا کی طاقت کو کمزور کرنے کی ہمت نہیں کرنی چاہیے میں گرام سبھا کے طاقت کو استھاپت کرنے کے لیے پپو یادو ہر بار کی لڑائی لڑے میری لڑائی یہاں ہے میری لڑائی ممتا کے جیتا کے ساتھ ہے میری لڑائی ہر نوجوانوں کے روزگار کے لیے میری لڑائی سہرسہ کے اسپتال کے لیے میری لڑائی سہرسہ سے دلی اور حیدرآباد کے ٹرین کو کھولنے کے لیے میری لڑائی اس ایئرپورٹ کو سنانے کے لیے میری لڑائی سہرسہ کو ایک آرتھک ادارہ